डीसी भैरवा जम्मू मीना दोनों मैदान में क्या लगता है आपको? भाई साहब यार डीसी भैरवा को ही देंगे बैठ तो यार। भाई साहब यार अभी इस टाइम पे देख कांग्रेस बीजेपी सरकार तो है नहीं, बीजेपी सरकार को तो जितना दिया तो उसको गरीब आदमी को इसने मारा ही है, किसी को कुछ करा तो है नहीं, नहीं समझा। तो हम तो देख क्या है कि शुरू से कांग्रेस को देता है, कांग्रेस को देंगे थापा तो देंगे साहब डीसी भैरवा को ही वोट, डीसी भैरवा को देना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस ही कर सकती है, बीजेपी तो कुछ करेगी नहीं, बीजेपी ने तो आज तक कुछ किया और ना ही करेगी। बीजेपी ने क्या है कि जितने गरीब आदमी है उनको सबको मारा है, पेंशन लेने उन्होंने बंद कर दी, सारी चीजें इन्होंने बंद कर दी, लोगों को सबको है ना गुमराह कर दिया। कांग्रेस है, कांग्रेस ने शुरू से आज तक करती आई है और आप भी करेगी, अब चाहे करे चाहे ना करे लेकिन देंगे कांग्रेस में वोट, देंगे को डीसी भैरवा को वोट, तो बाकी है ना कोई फायदा नहीं है कि बीजेपी को देने में, कोई फायदा नहीं। बाबा करोड़िया है जहां मर्जी धरना दे देगा साहब, मैं मर गया साहब मेरे को जिताओ, तो ये तो क्या है कि ये तो बाबा करोड़ी का तो ये शुरू का ही है, आज का तो इसका कोई है नहीं कि आज का कोई करोड़ी बाबा का कोई मैटर है, करोड़ी बाबा का तो कह रहा है क्योंकि करोड़ी बाबा तो क्या है कि धरना जहां धरना दे दिया ना वहीं एक तरफ है, बाकी आम पब्लिक एक तरफ है, बाकी देना तो देखो डीसी भैरवा को ही है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस सरकार ने जो किया है वो बीजेपी नहीं कर पाएगी, ना किया है ना करेगी, इसलिए डीसी भैरवा को ही वोट देंगे। कांग्रेस भी कांग्रेस जीती लोकसभा में और विधानसभा में भी जीती, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भाई को टिकट मिल गया था प्रचार का। भाई साहब वो तो देखो ऐसा है, वो तो एक पार्टी है, इन्होंने जो कर लिया कोई बात नहीं है, पब्लिक थी पागल होगी जो इन्होंने दे दिया साहब बीजेपी में वोट दे दिया साहब, बाकी देखे आज जो देने वाले हैं वो भी रो रहे हैं, आज इन्होंने वोट दिया वो भी रो रहे हैं, अगर हम कांग्रेस को वोट देते तो आज हमारी है ना सत्ता चलती है, हालांकि ठीक है उन्होंने जो दे दिया कोई बात नहीं है, लेकिन आज लोग जो आ रहे हैं वो भी यही है, उन्होंने बीजेपी में देते तो बीजेपी में क्या काम चला मेरे को बताओ, आज दौसा जिले में कोई विकास हुआ तो मेरे को बता दो, विकास दौसा में कुछ भी नहीं हुआ है, जो गहलोत की सरकार में जो कांग्रेस सरकार में जो कांग्रेस सरकार के अंदर जो कार्यकार जो हुआ है आज बीजेपी में नहीं हुआ है, बीजेपी के अंदर आज कोई कार्यकार का काम नहीं हुआ है, अगले बीजेपी के अंदर कोई कार्यकार में काम हुआ है, क्योंकि पहले क्या था कि वो तो कांग्रेस सरकार थी जो जिन्होंने कर दिया, लेकिन बीजेपी ने क्या हुआ बीजेपी आ गई तो आज दौसा के अंदर कोई है ही नहीं काम कराने वाला, तो कांग्रेस में आज के टाइम पर काम ही नहीं हुआ बीजेपी के अंदर, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है वो आज भी चल रहा है कांग्रेस सरकार का तो काम, और ये जितने भी जो पीडब्ल्यूडी से जितना भी जो बजट लकड़ा है वो आज भी ही कांग्रेस सरकार का ही चल रहा है, बीजेपी को ये पता नहीं हमारा पलड़ा किधर है किधर नहीं है, रोड टूट गए ये हुआ वो हुआ लेकिन वो भी आज भी कांग्रेस का ही चल रहा है, बीजेपी का नहीं चला है, और बीजेपी का आज भी कोई ऐसा कोई वजूद नहीं है जो बीजेपी का आज भी कोई कार्यकाल चल रहा है, लेकिन यह है कि बीजेपी सरकार ठीक है लोगों ने दिया है बीजेपी को साहब हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं ये है वो है, लेकिन बाकी जो कांग्रेस का जो मुजाव जो है तो कांग्रेस की वजह से ही आज के टाइम पे है, और गरीब आदमियों को आज के टाइम पे कांग्रेस की ही जरूरत है। कामकाज को लेकर खुश है? नहीं तो कांग्रेस कामकाज को लेकर नहीं है सर, देखो गरीब आदमी सभी है, किसान भी है, सारी चीजें हैं, कोई जरूर नहीं है कि देखो हम धंधे को ही लेकर जरूरी है, हमारा क्या धंधा है, हमारा काश्तकार है हम आदमी है, हमारे को अगर खेती का भी काम है, हमारे को हमारे मजदूरी का भी काम है, हर चीज के लिए लॉकडाउन हो तो ये क्या मतलब है बताओ, तो मतलब जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का ही कार्यकाल, बाकी वोट देना हमने कांग्रेस में, वोट कांग्रेस में ही देना है, कांग्रेस की बात है, बाकी चाहे महंगाई चाहे 500 रुपए किलो हो चाहे 1000 रुपए किलो हो, बीजेपी का कोई मतलब नहीं है कि हम बीजेपी में वोट देंगे। क्या लगता है इस बार दौसा उपचुनाव में कौन भारी है? तो दौसा उपचुनाव में डीसी भैरवा का ज्यादा वो है, कारण करने है उसको सार कास्ट की बोस्ट उसको मिल रहा है उसकी बात, और यहाँ का लोकल रह गया भाई, कोई भी समस्या का सब चीज सुनने के लिए हर चीज के लिए वो है, और वो पहले भी उसका बढ़िया नाम रह चुका, दो बार प्रधान रह चुका और शुरू से ही बढ़िया है। हाँ प्रचार वचार उसका बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी वो हो गई उसको वोट नहीं मिल रही ना, और समाज के वोट नहीं मिल रही उसको, कारण क्या रहने है भाई, हर बार मीणा ही मीणा आ रहा है, उस वजह से भी थोड़ी कई हो रही है। अनिल कुमार मीणा, तो लगता है
है कि परिवारवाद का जो सिस्टम है उसकी वजह से ऐसा होता है। नहीं देखो हर चीज में अब हर समाज होती है भाई, यहाँ पे हर बार मीणा मीणा है वो भी गलत है, सब समाज समान है, सब चुनाव लोग सब उनके लिए वो है। तो उसके पहले भी खूब जगमोहन मीणा की किरोड़ी लाल जी है जो गोलमा देवी है उसका भतीजा है, तो सारे एक एक तो एक ही सिस्टम थोड़ी भाई, एक ही परिवार में सारी राजनीति एक परिवार करे और उसके ठेका थोड़ी मन रखा है, दूसरे को मौका मिलना चाहिए उसमें। जैसे प्रभाव रहेगा चुनाव क्या इसका प्रभाव रहेगा, इस बात का प्रभाव जैसे आप कह रहे हो कि भाई एक ही व्यक्ति अब अलग अलग पदों पर कभी भतीजे को कभी किसी को, तो ये प्रभाव रहेगा रहेगा तो ऐसे सब समझता है आजकल तो समाज में लहर भी जाती है कि भाई एक ही व्यक्ति क्यों। सही है भाई, यहाँ ये भी समझ में आ रहे हैं भाई, ठीक है भाई मीणा मीणा को लड़ रही है, कोई भी कास्ट लड़ सकती है, उनको वोट दो ना, जैसे अभी बार सबकी हर चीज कांग्रेस में देंगे बढ़िया होना को, सब सब चीज को कांग्रेस, सचिन पायलट की जैसे गुजर उजर सचिन पायलट भी आए थे ना, मुरारी लाल जी उनके साथ ले रहा है, सचिन पायलट का रहेगा, हाँ रहेगा हमारे आसपास ऐसी का पूरा उसको डीसी बैरवा बढ़िया है, डीसी बैरवा आदमी बढ़िया है, बोल चाल में बढ़िया है, एक नंबर आदमी है। एक तरफ डीसी बैरवा, एक तरफ जगमोहन मीणा डॉक्टर के भाई, लक्ष्मण सिंह मीणा जी इधर है, लक्ष्मण मीणा जगमोहन मीणा लक्ष्मण मीणा लक्ष्मण मीणा कारण कारण है बंसरी का निशान है उसका, इसलिए मीणा निर्दलीय है, निर्दलीय तो लोकल ही है क्या? मैं सवाई माधोपुर के हूँ, सवाई माधोपुर के, लेकिन जगमोहन मीणा के भाई हैं वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, वही दूसरी और डीसी बैरवा वो हैं कांग्रेस से, वो कई दिग्गज नेता लगातार यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके लिए। इस बार पार्टी को नहीं देंगे वोट, निर्दलीय को देना है, निर्दलीय को देंगे, कोई नहीं हाल नहीं करता, कारण कारण क्या है कि निर्दलीय को देंगे? निर्दलीय देखे थे कैसा आदमी है मक्खनलाल मीणा, इसलिए मक्खनलाल मीणा है निर्दलीय से, बंसुरी निशान है उनका, बंसुरी क्या मुद्दे हैं आपके क्यों इसलिए आप निर्दलीय की तरफ जा रहे हो? क्योंकि पार्टी कोई नहीं हाल नहीं कर रही, निर्दलीय इसलिए खड़ा कर रहे हैं हम, पार्टी सब अपने अपने घर बनाती है, कोई भी नहीं है, ये बात है। अब यहाँ के मुद्दे क्या आपको लगता है कि इनकी वजह से हमें निर्दलीय की तरफ जाना पड़ रहा है? कैसे मुद्दे से पानी की बड़ी समस्या, हम लोगों के पास पानी की बात करते हैं और क्या मुद्दे हैं? पानी समस्या क्या आज तक किसी ने सही नहीं करी, दो साल में कुछ भी सब अपने अपना पैसा बनाते हैं, कोई किसी का काम नहीं करता। तीन बार आपने लगातार तो मुरारीलाल मीणा को जितवा दिया है, लोकसभा में मुरारीलाल को जितवाया है, अब फिर अब की बार कैसे? अपने कार्यकर्ता बढ़िया है वो, इसलिए जीत रहे हो, अब ये कार्यकर्ता सब बाहर के, इसलिए बिल्कुल वोट देने की इच्छा नहीं है, निर्दलीय को जिताएंगे, सिर्फ मक्खनलाल मीणा ओनली। कांग्रेस का माहौल है, हाँ डीसी बैरवा का, हाँ क्योंकि जो आदमी है जो यहाँ का मिलनसार आदमी है, सबकी सुनता है, सबको साथ लेके चलता है और यहाँ इलाके का आदमी है, इसलिए उसका माहौल है। कांग्रेस पार्टी की जीत, बस ये बता दिया ना उन्होंने भाई साहब ने, यही बात है, बन रहा है माहौल, बन रहा है, कांग्रेस देंगे यार, शुरू से कांग्रेस देते, कांग्रेस देंगे हम, मुद्दे क्या पर हम तो जिंदे हैं ना, कांग्रेस में पहले देते थे, अब भी कांग्रेस में देंगे। कांग्रेस पार्टी क्योंकि एक तो लोकलिटी है डीसी जी, एक यहाँ के लोकल आदमी है डीसी जी, एक से यहाँ के सरल स्वभाव, मतलब आगे से पहले से ही अच्छा परिवार रहा है, शीतल भाव रहा है बढ़िया, उनके पिताजी भी शीतल भाव के परिवार के, मतलब हमेशा कांग्रेसी रहे हैं और कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ आदमी है, बढ़िया आदमी है, मतलब शुरू से ही, इसलिए ज्यादातर कांग्रेस को ही वोट देंगे हमारे सलाह। मुद्दे क्या रहेंगे लोकल मुद्दे, जैसे पानी की जो बात हो या अन्य कोई काम हो? नहीं वैसे काम आम तो सब करते रहते हैं, काम तो तेरे इधर जो नेता आएगा वो करेगा, जिसकी सरकार रहेगी वो ज्यादा नहीं तो कम करेगा, काम तो सब करेंगे, मुद्दे कोई नहीं, मुद्दे यही है कि एक तो लोकल है यहाँ के, यहाँ पास के पास दौसा के रहने वाला है और मतलब शुरू से इनका मतलब स्वभाव अच्छा है,
छोटे से आदमी का भी काम करने वाला बढ़िया आदमी है, मतलब अच्छे बच्चे का भी कोई बच्चा भी चल जाता है ना, आज तक ये जब प्रधान रहा है, सरपंच रहा है, इसके घरवाली प्रधान रही, तो छोटा सा भी आदमी गया तो सबकी इन्होंने सुनी है और बैठाया है, आदर स्वभाव दिया है, इसलिए हाँ हमारे लोग बीच के हैं, अच्छे आदमी है, अच्छे परिवार है, बढ़िया है, इसलिए हम लोग इनको वोट दे रहे हैं।